एक व्यक्ति जो कि अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वो एक ऋषि के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है कि मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। कई बार तो मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि हमारे आयुर्वेद में आँखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा भी महर्षि बागभट जैसे कई चिकित्सकों ने आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें यहाँ बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर अपनी आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित करने वाला परिवर्तन तुम खुद देखोगे, और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेंगी। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना। तुम जैसे ही सुबह उठते हो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में ले लो और इसे अपनी आंखों के कोर में काजल की तरह लगाओ। ये एक बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वो सभी पोषक तत्व आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है अपने मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो, फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी भी तेजी से ना करो कि आंखों में दर्द हो और वो लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेज छींटे मारने हैं ताकि पानी आंखों के अंदर तक चला जाए। काफी देर तक पानी की छींटों को आंखों में मारने से अंदर की छोटी छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण ये है कि जब हम आंखों में छींटे मारें तो आंखों का कचरा मुंह के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से ही बाहर निकल जाए पानी के साथ, क्योंकि आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी के जाने से या फिर कचरे के होने से ही पैदा होती है। और जब ये सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा महत्वपूर्ण नियम है सूर्य देव को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, सिर्फ सूर्य उगने के 1 घंटे के अंदर या सूर्यास्त होने के 1 घंटे के पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त के समय उनके दर्शन करो, और जब जरूरत महसूस हो तो पलके भी झपका सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट से करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट पर ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित हो रही होती हैं और हमारी आंखों को ठीक कर रही होती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो। ध्यान रहे, आंखों के ऊपर दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आंखों को ढकना है। इससे आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में तो सूर्य देव को आंखों का वैद्य कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने का चौथा महत्वपूर्ण तरीका है आंखों का व्यायाम। ये आप कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने से पहले करने से ज्यादा अच्छा फायदा मिलता है। सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे, जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे ले जाओ। ध्यान रहे, आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, आपका सिर स्थिर होना चाहिए, सिर्फ आंखें घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार दाईं और 10 बार बाईं ओर ले जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपरी कोने की ओर और 10 बार नीचे निचले कोने की ओर ले जाओ।
इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिने ओर गोल गोल घुमाओ और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाओ। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथों के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और फिर बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर ले जाओ। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर ही रखो। जैसे ही अंगूठा दूर चला जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर ले जाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों से ढक लो और अपनी आंखों को आराम दो। हमारी आंखों के आसपास बहुत सी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती हैं, उन्हें नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वो अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेती हैं। पांचवा तरीका है, शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर आंतें साफ है, उसमें कोई पुराना भोजन जमा नहीं हो रखा, हमारा पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा, आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे उपवास नियम का पालन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का छठा तरीका है, त्रिफला के जल से आंखों को धोएं। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि बागभट्ट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि उसका नाम है, ये 3 फलों से मिलकर बना है, पहला आंवला, दूसरा बहेड़ा और तीसरी हरड़। त्रिफला को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरड़ का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में होना चाहिए, यानी कि आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होना चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर मिला लेना चाहिए। इस तरह से त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाता है। किसी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगो के रख दो और सुबह उसे छानकर उसी पानी से आंखों को धो लो। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप सुबह त्रिफला लेते हैं तो गुड़ के या फिर शहद के साथ लो, और यदि आप रात में त्रिफला लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ लो। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वो हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है, और सुबह जो गुड़ या फिर शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है वो पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है, वो त्रिफला को दिन में खाएं, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वो इसका सेवन रात में करें। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी को बढ़ाने का 7वां नियम है, त्राटक क्रिया योग। त्राटक क्रिया योग करने से ये हमारी आंखों और मन दोनों को तेज बनाती है। इस क्रिया को करने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती को जलाना है, फिर इसे इतनी ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो वो तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हो, ना ज्यादा ऊपर और ना ज्यादा नीचे। अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला यानी कि ज्योति पर केंद्रित करना है और एक टक लगाकर उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहते हो तो झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तब तक बिना झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम ये देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। त्राटक क्रिया के बीच आंसू को रोकने का प्रयास ना करो, बस इन्हें बह जाने दो। इस दौरान अपने हाथों से अपने आंखों को भी स्पर्श ना करें। जब ये क्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेली को रगड़कर
धीरे धीरे उसे अपने आँख के पास ले जाओ और आँखों को ढक लो। ये क्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करनी चाहिए। फिर तुम स्वयं ये देखोगे कि तुम्हारी आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। त्राटक क्रिया न केवल हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाती है बल्कि हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाती है। आँखों की रोशनी को बढ़ाने का आठवां तरीका है किसी भी ठंडी सब्जी जैसे कि खीरा, लौकी, सफ़ेद पेठा या फिर आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आँखों के ऊपर रख दें। एक खीरे या फिर लौकी को घिसकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को आँखों के ऊपर रख दो। जब हम खीरे या फिर लौकी के इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों को आँखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आँखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर का बाकी का हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आँखों और सिर के बीच के तापमान में अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आँखों की तरफ आने का प्रयास करता है। और जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस क्रिया को आपको हर दिन कम से कम 10 से 20 मिनट तक रोज जरूर करना है, क्योंकि ये हमारी आँखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमें ताजगी भी देता है। आयुर्वेद के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का तरीका है एक ऐसा योगासन या फिर व्यायाम को करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा रक्त का प्रवाह आँखों और सिर की तरफ हो। अगर ज्यादा संक्षेप में कहें तो नीचे झुकने वाला प्राणायाम या फिर आसन जैसे झुककर अपने आँखों से पैरों के अंगूठे को छूना, शीर्षासन, भस्त्रिका आसन, प्राणायाम इत्यादि, ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आँखों की तरफ जाती है और आँखें स्वस्थ बनी रहती हैं। इतना कहने के बाद ऋषि ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम इन 9 नियमों का पालन करते हो तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या फिर महीनों में ही तुम्हारी आँखें फिर से पहले की तरह स्वस्थ दृष्टियुक्त हो जाएंगी। और यदि तुम इन नियमों को अभी से अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो फिर तुम्हें कभी भी आँखों की कोई भी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए ऋषि का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। आज के समय में आँखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फ़ोन के मैसेजेस को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहाँ तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप को यूज़ करते हैं और इन लैपटॉप, फ़ोन, टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। इसलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन को नहीं देखोगे। ऐसा करने से आपकी आँखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही आपको गहरी नींद भी आएगी और अगले दिन आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आँखों को बंद करें, उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को ज़रूर जोड़ें, जैसे कि गाजर, संतरा, चुकंदर, सेब इत्यादि। ये आपकी आँखों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि ऐसी कहानियाँ, ऐसी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।